फ्रेंड्स वेलकम टू नर्सिंग विला। मैं पूजा आपकी अपनी फ्रेंड लेकर आई हूँ आपके लिए यूनिट 4 का फर्स्ट यूनिट जो कि है ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस। जैसे कि हमने आपको इंट्रोडक्शन में बताया था कि हम स्टार्ट कर रहे हैं जिसमें हम आज अपना फर्स्ट टॉपिक पढ़ने वाले हैं। तो चलिए देखते हैं डेफिनेशन के साथ। इट इज़ एन इन्फ्लामेटरी प्रोसेस ऑफ ग्लोमेरुलर पोर्शन ऑफ किडनी ड्यू टू चेंजेस इन दी इम्यून सिस्टम। यानी कि ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस क्या होता है, इसकी डेफिनेशन है इन्फ्लामेटरी प्रोसेस होती है कहाँ पर, किसकी, ग्लोमेरुलर पोर्शन, जो भी हमारा ग्लोमेरुलर पोर्शन होता है किडनी में, ठीक है, ड्यू टू चेंजेस इन द इम्यून सिस्टम। यानी कि जब भी हमारे इम्यूनिटी सिस्टम में कोई भी चेंजेस होते हैं उस टाइम पे जो भी हमारा ग्लोमेरुलर पोर्शन होता है किडनी का, वहाँ पे इन्फ्लामेटरी प्रोसेस स्टार्ट हो जाता है, उसको हम ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस बोलते हैं। ग्लोमेरुलर पोर्शन, अगर आपने नेफ्रोन का डायग्राम अच्छे से एनाटॉमी में पढ़ा है या देखा है बनाया तो आपको पता होगा, या फिर किडनी का डायग्राम, या फिर आपने क्रो स्ट्रक्चर जो भी कट स्ट्रक्चर होता है उसको स्टडी किया है तो आपको ग्लोमेरुलर का पता होगा एंड ग्लोमेरुलर पोर्शन का भी पता होगा। ग्लोमेरुलर पोर्शन ऑफ किडनी ड्यू टू चेंजेस इन इम्यून सिस्टम, यानी कि ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस क्या होता है, एक इन्फ्लामेटरी प्रोसेस होती है ग्लोमेरुलर पोर्शन ऑफ किडनी, किडनी में जो भी ग्लोमेरुलर पोर्शन होता है उसमें क्यों होता है, चेंजेस इन इम्यूनिटी सिस्टम की वजह से। इसकी एटियोलॉजी देखेंगे फ्रेंड्स, इट इज़ एन इम्यूनोलॉजिक डिसऑर्डर, एक इम्यूनोलॉजिकल डिसऑर्डर होता है दैट अक्कर इन रिस्पॉन्स टू आइदर एंडोजीनियस एंटीजेंस और एक्सोजीनियस एंटीजन। यानी कि ये क्या होता है, एक तरह की इम्यूनोलॉजिक डिसऑर्डर होता है, वो कब होता है, इन रिस्पॉन्स टू आइदर एंडोजीनियस या फिर एक्सोजीनियस एंटीजेंस के रिस्पॉन्स में ये डिसऑर्डर अक्कर होता है, यानी कि इम्यूनोलॉजिकल डिसऑर्डर होता है। एंड जब भी हमारे इसमें जो भी हमारा यूरिनरी सिस्टम होता है इसमें क्या होता है, एंडोजीनियस या फिर एक्सोजीनियस एंटीजन होते हैं या फिर प्रोड्यूस होते हैं, उसके उस टाइम पे जो भी रिस्पॉन्स होता है उसके रिस्पॉन्स में इम्यूनोलॉजिकल डिसऑर्डर्स अक्कर हो जाता है। देन देखेंगे एंडोजीनियस, एंडोजीनियस क्या होते हैं, IgG दोज ऑलरेडी इन दी बॉडी, IgG क्या होते हैं, ऑलरेडी बॉडी में प्रेजेंट होते हैं, इसके रिस्पॉन्स में भी जो इसके जो इसके रिस्पॉन्स में भी हमारे जो भी ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस होता है ये एंडोजीनियस होते हैं। एंडोजीनियस में IgG प्रेजेंट होता है बॉडी के अंदर, न्यूक्लियर एंटीजेंस प्रेजेंट होते हैं एंड कार्सिनोजेंस, ये एंटीजन एंडोजीनियस होते हैं। देन होता है एक्सोजीनियस में क्या आता है, स्टेफाइलोकोकस इन्फेक्शन होता है, स्ट्रेप्टोकोकस इन्फेक्शन, माइकोबैक्टीरियम इन्फेक्शन, निमोकोकाई इन्फेक्शन, मिजल्स वायरस, ये सब वायरस, ये सब चीज़ें एक्सोजीनियस काउंट होती हैं, एग्जाम्पल दिए गए हैं। देन इन्हीं के रिस्पॉन्स में इम्यूनोलॉजिकल डिसऑर्डर ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस अक्कर होता है बॉडी के अंदर। इनके टाइप्स क्या होते हैं, दो टाइप्स के होते हैं, एक्यूट एंड क्रोनिक। एक्यूट होता है आफ्टर टू थ्री वीक्स ऑफ इन्फेक्शन एक्यूट, एंड क्रोनिक आफ्टर सो मैनी मंथ्स ऑफ इन्फेक्शन। यानी कि 2-3 हफ्ते हो गए तो आपका एक्यूट ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस है, अगर आपको काफ़ी मंथ हो गए, कई महीने हो गए हैं ये इन्फेक्शन प्रेजेंट, देन क्या होगा, उसे क्रोनिक इन्फेक्शन काउंट करेंगे। पैथोफिजियोलॉजी देखेंगे फ्रेंड, ड्यू टू कॉजेज, कोई भी जैसे कि एक्सोजीनियस एंटोजीनियस एंटीजन, इन्होंने कॉजेज बताया तो इनमें से कोई भी कॉजेज हो सकता है, कोई भी बैक्टीरिया या फिर एंटीजन हो सकता है, सॉरी वायरस या फिर एंटीजन हो सकता है। देन देखेंगे इसमें एंटीजन प्लस एंटीबॉडी रिएक्शन होगी विद ग्लोमेरुलर्स, यानी कि यहाँ पे एंटीजन प्रोड्यूस हुए देन वो एंटीबॉडी के साथ रिएक्शन करेंगे कहाँ पे, किसके साथ, ग्लोमेरुलर्स के साथ। देन इन्फ्लामेटरी डैमेज होगा एंड डिले और ऑब्स्ट्रक्टेड ग्लोमेरुलर फंक्शन, जो भी ग्लोमेरुलर का फंक्शन होगा वो डिले हो सकता है या फिर ऑब्स्ट्रक्शन यानी कि रुक भी सकता है, उसमें रुकावट भी आ सकती है। देन देखेंगे रिड्यूस ग्लोमेरुलर मेम्ब्रेन्स कैपेसिटी, इसकी वजह से क्या इफेक्ट होगा, जो भी ग्लोमेरुलर मेम्ब्रेन की कैपेसिटी है वो रिड्यूस हो जाएगी फॉर सिलेक्टिव परमीएबिलिटी, एंड जो भी इनकी सिलेक्टिव परमीएबिलिटी, आपको पता होगा अगर आपने एनाटॉमी में फर्स्ट चैप्टर पढ़ा है सेल वाला, उसमें पढ़ते हैं ना सिलेक्टिव परमीएबिलिटी क्या होता है, तो वही चीज़ यहाँ पे इन्होंने बताई गई है। तो उसकी वजह से क्या होता है, आखिर में जाके ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस प्रेजेंट यानी कि अक्कर हो जाता है। इसके साइन एंड सिम्टम्स क्या होते हैं, साइन एंड सिम्टम्स होते हैं डार्क कोला कलर का यूरिन होगा, प्रोटीन यूरिया होगा, हाइपरटेंशन, फीवर, फटीग, एनोरेक्सिया, पेलर स्किन, ओलिग्यूरिया, हिमेटूरिया, हेडेक,
चिल्स, वीकनेस, जनरलाइज्ड एडिमा, फेशियल एडिमा, नोजिया एंड वॉमिटिंग, ये साइन एंड सिम्टम्स आपको देखने को मिलेंगे ग्लोमेरुलर नेफ्राइटिस के टाइम पे। देन देखेंगे हमारा डायग्नोस्टिक इवेल्युएशन क्या हो सकता है इसमें। दोस्तों डायग्नोस्टिक इवेल्युएशन होगा, ब्लड टेस्ट कर सकते हैं टू डिटेक्ट बन BUN केराटिनिन, यूरिन एनालिसिस कर सकते हैं, नीडल बायोप्सी कर सकते हैं, ASO यानी कि एंटी ट्रिप्सटोलेसिन टाइटर कर सकते हैं टू डिटेक्ट स्टेप्टोकोकस इन्फेक्शन। मैनेजमेंट में क्या कर सकते हैं, मेडिकल मैनेजमेंट करेंगे, एंटीबायोटिक थेरेपी देंगे फॉर स्टेप्टोकोकल इन्फेक्शन, एग्जाम्पल सिप्रोफ्लोक्सासिन, ओफ्लोक्सासिन, लिवोफ्लोक्सासिन, एंटी हाइपरटेंसिव थेरेपी देंगे, एग्जाम्पल प्रोप्रेनोलोल, एटिनोलोल, कॉर्टिकोस्टेरॉइड दे सकते हैं एंड इम्यूनो सुप्रेजेंट एजेंट यानी कि जो भी इम्यूनिटी को सुप्रेस कर सके लाइक साइक्लोफोसफेमाइड, फोस्फेमाइड एंड प्रिडनिसोलोन एंड डायरेटिक्स दे सकते हैं फॉर रिलीव एडिमा, एग्जांपल फ्रूजामाइड दे सकते हैं एंड स्पायरोनोकलेक्टेन दे सकते हैं। डाइटरी मैनेजमेंट में क्या करेंगे, लो सोडियम डाइट देंगे, शुड बी गिवन, प्रोवाइड बैलेंस्ड न्यूट्रिशनल डाइट, हाई कैलोरीज एंड रिच प्रोटीन डाइट। नर्सिंग मैनेजमेंट में क्या कर सकते हैं, नर्सिंग डायग्नोसिस फ्लूड वॉल्यूम एक्सेस रिलेटेड टू डिक्रीज फ्लूड एक्सक्रीशन बाय किडनी। नर्सिंग इंटरवेंशंस देखेंगे, मेंटेन फ्लूड इनटेक, मॉनिटरिंग डेली इनटेक एंड आउटपुट चार्ट, चेक वेट डेली, इम्बैलेंस्ड न्यूट्रिशन लेस देन बॉडी रिक्वायरमेंट रिलेटेड टू एनोरेक्सिया एंड अल्टर्ड रीनल फंक्शंस। नर्सिंग इंटरवेंशंस आएंगे, प्रोवाइड सोडियम रिस्ट्रिक्टेड डाइट, प्रोवाइड हाई कैलोरीज इन डाइट एंड कंट्रोल्ड प्रोटीन डाइट। देन देखेंगे रिस्क फॉर इम्पेयर्ड स्किन इंटीग्रिटी रिलेटेड टू एडिमा एंड डिक्रीज एक्टिविटी, इसके लिए नर्सिंग इंटरवेंशन क्या होंगे, प्रिवेंट द कॉम्प्लिकेशन, प्रोवाइड गुड हाइजीन, मसाज एंड चेंजेस पोजिशन रेगुलरली, यानी कि मसाज देनी और रेगुलर पोजिशन को चेंज करना है। तो आज की वीडियो में इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक में, नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट टॉपिक के साथ। आप हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें, अगर आपके लिए वीडियो यूज़फुल रहा है तो प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताएं आपको वीडियो कैसा लगा। थैंक यू फ्रेंड्स।